वीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि वीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर दो बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंप देगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे। वीरभूम हिंसा में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाई कोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठन कर जांच की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में एसआईटी या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। पश्चिम बंगाल में वीरभूम में हिंसा के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरीके से पीटा गया था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।